ध्यान से सुनिए। तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका सरकारी न्यूज चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, पूरे देश में लॉकडाउन का पांचवा चरण लागू है, लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से कुछ बड़े नियम और कानून भी लागू कर दिए गए हैं, जिन्हें आपको जरूर जान लेना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, अब हर महीने महज 55 रुपए जमा करके मिलेंगे 3,000 रुपए, कोई भी उठा सकता है लाभ। ये है आसान सा तरीका। इसी के साथ दोस्तों, सभी किसानों, मजदूरों और श्रमिकों के साथ साथ महिलाओं के लिए भी काफी जरूरी खबर है, जिसे आपको इस लॉकडाउन के चलते जरूर जानना चाहिए, वरना आपका भारी भरकम नुकसान हो सकता है। साथ ही दोस्तों, आज रात 12 बजे से ये 5 चीजें होने जा रही हैं बंद, जिन्हें आपको जरूर जान लेना चाहिए, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। तो दोस्तों, कौन कौन सी हैं वो 5 बड़ी चीजें, हम आपको इसकी पूरी जानकारी आगे वीडियो में देंगे, ताकि आपको बाद में सोचना ना पड़े, बाद में पछताना ना पड़े। तो वीडियो को अंत तक और पूरा जरूर देखिएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप 8वीं पास हैं तो यहाँ निकली हैं नई भर्तियाँ। बिना परीक्षा की जाएगी भर्ती, 25,000 रुपया महीना मिलेगा वेतन। जानने के लिए वीडियो को देखते रहें। इसी के साथ दोस्तों, ट्रेन से यात्रा को लेकर भी नए नियम लागू किए गए हैं। अब देनी होगी ये अहम जानकारी, वरना नहीं कर पाएंगे यात्रा। जानेंगे पूरी खबर थोड़ी देर में। इसके अलावा दोस्तों, क्या देश में फिर लगेगा सख्त लॉकडाउन? भारत में तेजी से फैल रहा है कोरोना, WHO ने दी ये बड़ी चेतावनी। साथ ही दोस्तों, ये सरकार 8,00,000 लोगों को देने जा रही है नौकरी, आप भी पा सकते हैं ऐसे, लेकिन होंगी ये शर्तें। पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को देखते रहें। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके पास आधार कार्ड है, राशन कार्ड है या फिर पैन कार्ड है, तो सरकार दे रही है ये बड़े लाभ। जानने के लिए वीडियो देखते रहें। साथ ही दोस्तों, सरकार कोरोना बीमारी के चलते सभी के खाते में भेज रही है 4,000 रुपए। जिनके पास है आधार कार्ड, सिर्फ उन्हें ही मिलेगा पैसा। जानेंगे कैसे, बस थोड़ी देर में। इसके अलावा दोस्तों, जिनके पास जनधन खाता है उनके लिए भी बड़ी खबर है, और पान मसाला गुटखा को लेकर भी बड़ी खबर है। साथ ही साथ शराब प्रेमियों के लिए भी आज से एक बड़ा नियम लागू हो गया है, जिसे आपको जरूर जान लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये सभी खबरें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, वरना लॉकडाउन के चलते आपको भारी भरकम नुकसान हो सकता है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले हम अपनी मुख्य खबरों की ओर बढ़ें, आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है, तो आप एक छोटा सा लाइक जरूर करिएगा, साथ में लाल बटन को दबाकर चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वही दोस्तों, अगली खबर, देश में फिर से लगाया जाएगा लॉकडाउन, मिल रहे हैं ये बड़े संकेत। जी हाँ, दरअसल दोस्तों बता दें, जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से संपूर्ण देश में लॉकडाउन में कई बड़ी छूटें दी गई हैं, वैसे ही कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। देश में अनेक क्षेत्र खुलने के बीच कोरोना के संक्रमण के मामलों में भी तेजी से इजाफा हो रहा है, और ये इसी बात से साफ पता चल रहा है कि लगभग पिछले एक ही हफ्ते में करीब 61,000 नए मामले सामने आए हैं, जो कि काफी चौंकाने वाला है। जिसके बाद चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञों को लगता है कि अगर हालात नियंत्रण से बाहर हुए तो लॉकडाउन फिर से लगाना पड़ सकता है। और दोस्तों, भी बीते ही रोज भारत ने इटली को भी पीछे छोड़ दिया है। जी हाँ, दरअसल बता दें दोस्तों, भारत ने कोरोना के मामले में इटली को भी पीछे छोड़ दिया है, और अब भारत की पोजीशन 6वें नंबर पर आ गई है। इससे ज्यादा चिंता की बात यह है कि भारत में डेथ रेट भी बढ़ गया है। डेथ रेट यानी कि कोरोना संक्रमण से संक्रमित लोगों की मौत भी ज्यादा हो रही है। इसके अलावा दोस्तों बता दें, भारत में कोरोना ने बढ़ाई चिंता, एक हफ्ते में मिले 61,000 नए केस, फिर से लगाया जा सकता है लॉकडाउन। जी हाँ दोस्तों, बता दें, देश में अनेक क्षेत्रों के खुलने के बीच ही कोरोना के नए मामलों में जैसे जैसे बढ़ोतरी हो रही है, वैसे ही इस बात की आशंका भी तेज होती जा रही है कि भारत में एक बार फिर से लॉकडाउन को लगाया जाएगा, और रोजाना कोरोना के 10,000 नए मामलों का सामने आना इस बात का संकेत है कि कहीं ना कहीं लॉकडाउन में दी गई ढील फिर से एक बार विचार करने योग्य है। वहीं दोस्तों, अगली खबर, इस सरकार का हुआ बड़ा ऐलान, दी जाएंगी 8,00,000 लोगों को नौकरियां। जी हाँ, दरअसल बता दें दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की ओर से बड़ा ऐलान करते हुए सभी प्रवासी मजदूरों, श्रमिकों और कामगारों को उनके कार्य दक्षता के अनुसार अब नौकरी मिलेगी। दोस्तों बता दें, अगर आप एक 8वीं या फिर 5वीं पास व्यक्ति हैं, आपने अगर 5वीं तक पढ़ाई की है या फिर 8वीं तक पढ़ाई की है, तो अब आपको यहां की सरकार की ओर से नौकरी दी जाएगी। वो भी दोस्तों, अगर आपको कोई काम आता है तो आपको उस काम के हिसाब से नौकरी मिलेगी, अगर आपको कोई काम नहीं भी आता है तो भी आपको किसी न किसी काम में जरूर लगाया जाएगा। दोस्तों बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से 8,00,000 लोगों को नौकरी देने का लक्ष्य रखा।
गया है और इसकी प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए हैं ताकि लॉकडाउन के चलते जल्द से जल्द सभी को नौकरियां दी जा सकें और श्रमिकों, कामगारों और मजदूरों सहित जिनकी भी नौकरियां इस लॉकडाउन के चलते छिन गई हैं, जिन्होंने अपनी नौकरी इस लॉकडाउन के चलते खो दी है, उनको भी अब नई नौकरी मिल पाएगी। वहीं दोस्तों अगली खबर, अब महज 55 रुपए जमा करके पा सकते हैं 3000 रुपए की मासिक पेंशन। जी हाँ, दरअसल दोस्तों बता दें, यदि आप भी चाहते हैं कि महज 55 रुपए हर महीने जमा करके ही 3000 रुपए की आपको मासिक पेंशन मिलने लगे तो कैसा होगा, शायद आप इसके ऊपर विश्वास ही ना करें। लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल सच है कि आप हर महीने 55 रुपए जमा करके 3000 रुपए तक की आप मासिक पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। तो यदि आप भी इस योजना के तहत, इस स्कीम के तहत केवल 55 रुपए महीना जमा करके 3000 रुपए की पेंशन लेना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहिए, हम आपको बताएंगे पूरी जानकारी कैसे आप इसके तहत अपना खाता खुलवा सकते हैं, कौन कौन से कागज लगेंगे। तो दोस्तों बता दें, यदि आप भी इस योजना के तहत इच्छुक हैं और आप भी चाहते हैं कि महज 55 रुपए हर महीना जमा करके 3000 रुपए की मासिक पेंशन मिले आपको, तो वीडियो को आखिरी तक पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। दरअसल दोस्तों बता दें, प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना एक ऐसी योजना चलाई जा रही है जिसके तहत कोई भी नागरिक, आम नागरिक जो कि असंगठित, चाहे वो मजदूर हों या फिर कोई छोटा मोटा काम करने वाले लोग हों, वो इस योजना के तहत अपने 3000 रुपए की मासिक पेंशन का लाभ उठा सकते हैं केवल और केवल 55 रुपए हर महीना जमा करके। दोस्तों इसकी सबसे खास बात यह है कि अगर मान लीजिए किसी कारणवश, भगवान न करे, आपकी अगर मृत्यु हो जाती है तो आपकी इस पेंशन का पैसा आपके परिवार के किसी भी सदस्य को दिया जा सकता है, चाहे वो आपकी पत्नी हो, आपका बेटा हो या चाहे वो आपकी बेटी हो। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपकी उम्र 18 से लेकर 40 साल के बीच में होनी चाहिए। दोस्तों प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ पहले से ही कई लोग उठा रहे हैं, साथ ही वो 3000 रुपए की पेंशन भी पा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि इसके तहत अपना खाता खुलवाएं और आप भी चाहते हैं कि आपको भी 3000 रुपए की मासिक पेंशन मिले केवल और केवल 55 रुपए महीना जमा करके, तो आपको सबसे पहले किसी भी CSC सेंटर पर जाकर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत खाता खुलवाना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको हर महीना 55 रुपए जमा करना पड़ेगा और बाद में 60 साल की उम्र के बाद आपको 3000 रुपए महीने की पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। वहीं दोस्तों अगली खबर, बिना परीक्षा पुलिस विभाग में निकली बड़ी भर्ती, 8वीं पास कर सकते हैं आवेदन, ऐसे करें अप्लाई, नहीं होगी कोई भी परीक्षा। जी हां, दरअसल दोस्तों बता दें, यदि आप भी केवल और केवल 8वीं पास हैं तो आपके लिए पुलिस विभाग में नौकरी करने का बड़ा मौका निकल कर आ चुका है। तो अगर आपका भी एक सपना है पुलिस में नौकरी करके देश की सेवा करने का, तो वीडियो को ध्यान पूर्वक देखते रहें, हम आपको बताएंगे कैसे आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, कितनी उम्र रहेगी और कब से इसके लिए आवेदन आप कर पाएंगे। दरअसल दोस्तों बता दें, कोरोना काल में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए काफी अच्छी खबर निकल कर आ रही है। 8वीं पास या फिर उससे ज्यादा पढ़े युवाओं के लिए पुलिस विभाग में भर्ती निकल कर आ चुकी है। अच्छी बात यह है कि इस भर्ती के लिए आपको किसी भी प्रकार की लिखित परीक्षा नहीं देनी होगी, यानी बिना लिखित परीक्षा के आधार पर इस भर्ती की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। दरअसल दोस्तों राजस्थान पुलिस ने बम्पर भर्तियां निकाल दी हैं। राजस्थान पुलिस में 2500 पदों पर होम गार्ड की भर्तियों के लिए नए आवेदन मांगे जा रहे हैं और इस वैकेंसी के लिए केवल और केवल 8वीं पास कैंडिडेट यानी कि उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं और इस भर्ती के लिए उम्र सीमा 18 साल से लेकर 45 साल की रखी गई है। यानी कि 18 साल से लेकर 45 साल के बीच में अगर आपकी उम्र है तो आप पुलिस विभाग में भर्ती हो सकते हैं और देश की सेवा कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आवेदन की तारीख 10 जून से शुरू हो रही है, 10 जून से शुरू होकर जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों अगली खबर, अगस्त से किसानों के खाते में आएंगे 2000 रुपए, 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को मिलेगा लाभ। जी हां, दरअसल दोस्तों बता दें, यदि आप भी एक किसान है या फिर एक छोटा मोटा खेती बाड़ी का काम करने वाले आम इंसान है तो इस वीडियो को ध्यान पूर्वक देखते रहें, क्योंकि दोस्तों आप सभी को केंद्र सरकार 2000 रुपए का लाभ फिर से देने जा रही है और इस योजना के तहत 9 करोड़ से ज्यादा किसान पहले से ही लाभ उठा सके हैं। तो आपको अगर अभी तक नहीं मिला है तो वीडियो को देखते रहें, साथ ही साथ आपको अगर अगला लाभ चाहिए तो भी इस वीडियो को देखते रहें, क्योंकि दोस्तों केंद्र सरकार की ओर से सभी किसानों को इसका पूरा पूरा लाभ दिया जा रहा है ताकि किसानों के ऊपर लॉकडाउन या फिर कोरोना महामारी के कारण कोई भी आंच ना आने पाए। दरअसल दोस्तों बता दें, कृषि को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत किसानों को अभी तक 2 किस्तें भेजी जा चुकी हैं और इसकी तीसरी किस्त अगस्त तक भेजी जाएगी, जिसके तहत 4,000 रुपए कई किसानों के खाते में भेजे जा चुके हैं और अब 2,000 रुपए भी भेजने की तैयारी हो चुकी है। तो आपको पहले इस योजना के तहत लाभ मिल चुका है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। संक्रमण से बचाव के लिए सिर्फ कन्फर्म टिकट पाने वाले यात्रियों की ही रेल में यात्रा करने की इजाजत दी जाएगी। अब देना होगा ये जरूरी जानकारी। जी हाँ, दरअसल बता दें दोस्तों, अब अगर आप टिकट बुक करवाते हैं तो आपको अपना पूरा पता, मकान नंबर, गली, कॉलोनी, शहर, तहसील और जिले की जानकारी भी